दीक्षा ऐप के बारे में बताएंगे। दीक्षा ऐप आप अपने सभी मोबाइल में, अपने घर के मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये इसका लोगो है दीक्षा ऐप का, है ना। अब इसका यूज क्या है, मान लीजिए आप घर पे हो और कुछ पढ़ना चाह रहे हैं किसी भी टॉपिक पे, किसी भी टॉपिक पे। जैसे ये टॉपिक चल रहा है, जैसे मैं बता रहा हूँ ये स्क्वायर रूट, ये टॉपिक है ना, घर पे हो मैं नहीं आया और आपको ये पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है, तो आप क्या करेंगे, इसको खोलेंगे और इस पे ये QR कोड है, ये है ना। तो इसको आपको क्या करेंगे, आप मोबाइल में दीक्षा ऐप खोलेंगे और उसमें इसको स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद पूरा चैप्टर जो है आपके सामने आ जाएगा, आप उसे पढ़ भी सकते हो और समझ भी सकते हो। अगर मान लो आप घर पे हो, मैं छुट्टी पे हूँ या स्कूल में नहीं हूँ, तो आप अगर मैं छुट्टी पे हूँ कहीं गया हूँ, आपको पढ़ना है, तो आप घर पे भी बैठ के पढ़ सकते हैं। ये हर सब्जेक्ट में और हर लेसन के शुरू में दिया होता है, ठीक है। कैसे करेंगे अलविदा, आप मैं समझा रहा आपको। देखो ये मोबाइल में, देखो क्या दीक्षा ऐप खुल गया, ठीक है। और अब क्या करेंगे, इसको ये स्कैनर है इसका, ये हम इसको स्कैन करेंगे, स्कैन हो गया। अब ये टॉपिक खुल गया, कक्षा 8 यूनिट 2 स्क्वायर रूट। अब इसे प्ले कर दें, इसको देखते हुए बताओ। ये किताब की जो इसमें दिया हुआ है, जो एग्जांपल दिए हुए हैं, वो सब सामने आ जाएंगे आपके। इसका पार्ट नंबर 2 है काकी। अब ये इसको QR कोड से स्कैन करके ये अलविदा आपको सिखाएगी। इधर आओ, पार्ट नंबर 4 है पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। अब ये इसको दीक्षा ऐप पे ये वर्कशीट जो है आपको चला के दिखाएगा। बादलों का प्यार जंगल, आदमी का यार जंगल, फूल फल देता सभी कुछ कर रहा ओंकार जंगल। प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा 8 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अभी आपने ये पंक्तियां फूल फल देता सभी कुछ कर रहा ओंकार जंगल। बच्चों, वास्तव में जंगल